देश में हर दिन विभिन्न तरह की तकनीकी विकसित हो रही है। कच्चा माल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसके बावजूद भी पेट्रोल, डीजल, कोयला और पेपर भारी मात्रा में आयात करना पड़ रहा है। तकनीकी सहायता से आयात कम होना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने VNIT के हीरक महोत्सव कार्यक्रम में किया है। रविवार को VNIT के हीरक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। VNIT के अध्यक्ष डॉक्टर विश्राम जामदार, डॉक्टर प्रमोद पडोले आदि उपस्थित थे। गडकरी के हाथों विश्वेश्वरैया की पूर्णाकृति का लोकार्पण भी किया गया, साथ ही फुटबॉल मैदान और चंद्रमा स्टूडेंट प्लाजा का भी उद्घाटन किया गया। गडकरी ने कहा कि VNIT और LIT जैसी संस्थाओं के छात्र देश के कई हिस्सों में बड़े बड़े पदों पर है। इसके अलावा कई बड़े उद्योगपति भी हुए हैं। संस्था के विकास प्रकल्पों में इन उद्योगपतियों का योगदान मिलना निस्संदेह गौरव की बात है। इस तरह की मदद लेकर इन प्रकल्पों को पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि निधि की आवश्यकता हो तो सरकारी सहायता दिलाने में मदद करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि गत 5 वर्षों में 17 लाख करोड़ के काम देश में किए गए हैं। वर्तमान में भी 5 लाख करोड़ से अधिक के काम वर्ष भर में होंगे। देश में वर्तमान में 50 लाख करोड़ रुपए का तेल और अन्य वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। इसी आयात को कम कर निर्यात बढ़ाना जरूरी है। निर्यात को प्रोत्साहन देने की सरकारी नीति बनाने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, INBCN न्यूज, नागपुर।